वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आईफोन में हम ऐप को फोर्स स्टॉप कैसे कर सकते हैं। दो तरीके मैं यहाँ पर आपको फोर्स स्टॉप के बताऊंगा, तो ध्यान से वीडियो को देखिएगा। देखिए, सबसे पहला तरीका फोर्स स्टॉप को करने का, आप यहाँ पर सेटिंग्स में जाइए और यहाँ पर जो है जर्नल में जाइए। जर्नल में जाने के बाद यहाँ पर जो है आप जो है बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश को सबसे पहले उस एप्लीकेशन से बंद कर दीजिए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर कोई सा भी एप्लीकेशन हुआ उसको यहाँ पर आप क्लिक करके इजीली जो है यहाँ से बंद कर सकते हैं, ठीक है। चाहे यहाँ पर इसे ऑफ लगा सकते हैं, अभी मैंने इसे ऑफ लगा रखा था तो इस वजह से ये ऑन नहीं हो रहा, ठीक है। सबसे पहले तो आपको यही करना है। उसके बाद क्या करना है कि फोर्स स्टॉप करने के लिए आपको सबसे पहले वॉल्यूम अप, वॉल्यूम डाउन और पावर बटन को प्रेस करके रखना है, ठीक है। दोबारा देख लीजिए, यहाँ पर वॉल्यूम अप, वॉल्यूम डाउन और पावर बटन को जैसे ही आप होल्ड प्रेस करके रखेंगे यहाँ पर, जब तक आपका फ़ोन दोबारा से रीस्टार्ट ना हो जाए तब तक इसे ऐसे ही रखिएगा। और जब ये रीस्टार्ट हो जाएगा उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होगी, यहाँ पर लोगो आ जाएगा आपको आईफोन का, और उसके बाद ये स्टार्ट होगा और दोबारा से ये स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद, ठीक है। तो इतना ही आप करिएगा बस, फिर आपकी जो ऐप है वो फोर्स स्टॉप हो जाएगी। तो अगर यहाँ पर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।